हरे ओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अब ये होकर रहेगा। ये जो समय है 23 अप्रैल से लेके 1 जून, इस समय कुंभ राशि हो आपकी या लग्न हो, आपके साथ कौन कौन सी स्थितियां बनने वाली है, ये जो ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है 23 अप्रैल को, ये क्या प्रभाव आपके जीवन में डालेगा, इसे हम विस्तार से समझेंगे। क्योंकि प्रिय दर्शकों, एक ऐसे ग्रह का परिवर्तन होने जा रहा है जो कि बहुत सारी समस्याओं से बाहर निकालेगा और आपको कुछ लाभ भी देने वाला है। सबसे बड़ी समस्या से छुटकारा कहा जाए तो यह है कि मंगल का परिवर्तन। क्योंकि प्रिय दर्शकों, ये जो मंगल का परिवर्तन 23 अप्रैल को होगा, ये देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि पर गोचर करेंगे। तो मीन राशि पर गोचर करते हुए 23 अप्रैल से 1 जून ये जो समय होगा, इस समय सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि अभी तक शनिदेव की राशि कुंभ राशि पर गोचर कर रहे थे, आपकी जो कि लग्नेश हैं, आपके राशि से हैं, इनकी राशि पर ही गोचर कर रहे थे। तो यहां पर समस्या क्या थी कि मंगल और शनि का जो ये युति है, ये बहुत सारे नुकसान, बहुत सारी समस्याएं आपको इन्होंने दी। क्योंकि अब देखा जाए कि आपके लग्न में ही गोचर कर रहे थे, तो सबसे बड़ी बात थी कि मानसिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था, कई बार अपमान की स्थितियां देखने मिली और दाम्पत्य जीवन में आए दिन वाद विवाद बन रहे थे और भी ऐसी कई तरह की समस्याएं आपको यहां पर देखने को मिली। परंतु अब जब मंगल का परिवर्तन होगा, आपके लग्न से हटके आपके द्वितीय भाव में गोचर करना प्रारंभ करेंगे, तो द्वितीय भाव में गोचर करते हुए आपके जीवन में क्या बदलाव लाएंगे, इसे हम समझेंगे। यदि आप इस बात से परेशान थे कि मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं, मैं बहुत जगह सोच समझ के इन्वेस्ट कर रहा हूं, परंतु वहां पर नुकसान ही देखने को मिलता है, तो यह समय होगा कि आप इन्वेस्ट करेंगे तो उससे बेनिफिट आपको मिलेगा। और उससे भी बड़ी बात, क्योंकि अक्सर देखा जाए तो ज्यादातर लोग किसी ना किसी प्रोफेशन में है या जॉब कर रहे हैं, तो यदि करियर में आप बदलाव चाहते थे, चाहे प्रमोशन की हम बात करें, चाहे आप बात करें कि आप चाहते थे कि सैलरी में वृद्धि हो जाए, तो ये कई तरह के लाभ आपको मिल सकते हैं। परंतु जो सावधानियां हैं उनको समझना बहुत जरूरी होगा। इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में मान सम्मान में वृद्धि, और इस समय आप अपने कर्म को भी कर सकेंगे। क्योंकि अक्सर जब लोग किसी भी काम में असफल होते हैं, कोई भी काम करते हैं, वहां पर असफलता देखने को मिलती है, तो एक सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है आलस। तो इस समय आप आलस से बाहर निकल सकेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये जो लाभ थे ये तो मिलेंगे ही, परंतु सावधानियां जो हैं उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करें सावधानियों की, तो यहां पर मंगल जो है आपके, एक तो कर्मेश बनते हैं और दूसरे आपके तृतीयेश बनते हैं, तो यहां पर एक सबसे जरूरी बात होगी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं वहां पर जल्दबाजी करना आपके लिए समस्याओं को निमंत्रण देने जैसा होगा। यदि आपने जल्दबाजी में इन्वेस्ट किया, या आपने, अब जैसे मैंने बताया कि आपके करियर में बदलाव हो सकता है, तो बदलाव करने के लिए आपको बहुत सोच समझ के ही बदलाव करना होगा, ना कि जैसे आपने सुना कि 23 अप्रैल से परिवर्तन हो जाएगा तो आपने तुरंत अपना बदलाव कर लिया। यह बदलाव संभव है कि यहां पर जो समस्याएं थी उससे ज्यादा समस्याएं दूसरी जगह हो जाएं, तो इसलिए बहुत सोच समझ के कोई भी निर्णय लीजिएगा। और यहां एक और भी बात है कि चाहे आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में हो या किसी भी तरह का वर्क कर रहे हैं, वहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है और वहां पर आप कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मैं सफल हो जाऊं, तो संभव है कि इस समय आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़े, बहुत ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत पड़ सकती है। और वैसे देखा जाए कि ये जो मंगल का परिवर्तन है तो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है कुंभ राशि वालों के लिए, बहुत ज्यादा ये परिवर्तन आपके फेवर में नहीं जाने वाला है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी काम करिए, उसे अभी थोड़ा सा रुक जाइए, यदि संभव हो तो रुकिए। आने वाले समय में जैसे ही मंगल 1 जून को भी परिवर्तन करेंगे, तब फिर स्थितियों को देखा जाए। कि एक और भी महत्वपूर्ण बात है जो मैं हमेशा कहा करता हूं, आपकी जन्म कुंडली,
यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, दशाएं आपको सपोर्ट कर रही हैं, तब फिर ये देखने को मिल सकता है कि हाँ स्थितियां गंभीर ना होके आपके पक्ष में जाएं। परंतु यदि ग्रह स्थितियां मजबूत नहीं है आपकी जन्म कुंडली में, तो गोचर भी समय सपोर्ट नहीं कर रहा है, समस्याएं ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो आपको इन सावधानियों के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। और इसके अलावा देखा जाए तो आप अपने खासकर करियर में यदि आप चाहते हैं कि जॉब को चेंज किया जाए, यहां पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। सैलरी बढ़ाने की बात जहां तक है वो ठीक है, यदि आप प्रमोशन चाहते हैं वो भी एक बार कहा जा सकता है कि ठीक है, परंतु यदि आप परिवर्तन ही करना चाहते हैं तो समस्याएं ज्यादा बढ़ सकती हैं। इस चीज को आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत होगी। अब हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप भगवान गणपति की आराधना करिए और साथ में हनुमान जी की आराधना आप कर ही रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो आप प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं और भगवान गणपति को दुर्वा अर्पण कर सकते हैं। परंतु हमेशा दुर्वा चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कई बार लोग ये गलती कर देते हैं कि जो दुर्वा है वो तीन दल की कम से कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दल हो या दो दल की हो, ज्यादा हो तो चल जाएगा, परंतु कम से कम तीन दल की तो होनी चाहिए। अर्थात जो दुर्वा होती है उसमें पत्ते जो होते हैं तो वो तीन होने चाहिए कम से कम। ऐसी दुर्वा का चढ़ाएं और दुर्वा से आप अर्चन भी कर सकते हैं भगवान गणपति का। ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला और आपको चाहे करियर की हो या किसी भी बात में देखा जाए कि सपोर्ट करने वाला होगा। कमेंट में ओम गणपतये नमः लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।